नमस्कार, ये जग्गी वासुदेव, जगदीश वासुदेव या सदगुरु जो भी कहिए, उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया लिबरेट टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो, सदगुरु ने एक मूवमेंट शुरू किया। और उस समय शुरू किया जब वहाँ चुनाव होने थे। हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, जिसका रिजल्ट आना है 2 मई को। लेकिन इस चुनाव से एक महीना पहले ही सदगुरु ने ये मूवमेंट शुरू कर दिया था कि लिबरेट टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। इसके लिए उन्होंने एक मिस कॉल दिया था, 83000 का मिस कॉल दिया था और कहा था कि आप मिस कॉल दें इफ़ यू सपोर्ट लिबरेट टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। जाहिर है कि चुनाव से पहले तक 3,50,00,000 मिस कॉल आ गए थे। अभी भी आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, भारत के कोने कोने से आ रहे हैं। ये तो करोड़ों की संख्या में बढ़ती ही जाएगी और इसका असर जो है लिबरेट टेम्पल्स इन तमिलनाडु का असर तो पूरे भारत में होना है। अब ऐसा है कि अब इसका चुनाव, अब जो तमिलनाडु में चुनाव हुआ है 6 अप्रैल को, वो काउंटिंग होनी है 2 मई को, इसका असर उस पर भी दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ले लिया था कि हम सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त करेंगे और जो रिलीजियस कन्वर्शन है फोर्सफुल, उस पर भी कानून बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ले ली। अब सदगुरु जी तो कहीं ना कहीं, खैर पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ ये कहते हैं कि सदगुरु के इस मूवमेंट का, इस नारे का कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो, ये फैलने वाला है पूरे भारत में, इसमें कोई शक नहीं। आइए वापस चलते मुद्दे पे, तमिलनाडु की बात करते हैं कि 2020 में तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ के हाई कोर्ट को लिखकर दिया था कि तमिलनाडु में करीब 11,999 मंदिरों में पूजा नहीं होती है क्योंकि वहाँ कोई कमाई नहीं होती है, वहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, वहाँ कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई पूजा ही नहीं होती है। आगे लिखा कि कुल 44,000 तमिलनाडु में कुल 44,000 मंदिर हैं, जिसमें 37,000 मंदिरों की सालाना आय 10,000 रुपये हैं या उससे कम है। यानी उन मंदिरों की कमाई 1,000 रुपये महीने भी नहीं है। भैया भाई लोग, फिर ये सरकारी नियंत्रण किस बात का? आगे देखिए, सरकारी नियंत्रण होते हुए भी 1200 पवित्र मूर्तियां तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हो गई, जो करोड़ों की थी, पुरातन थी, प्राचीनतम थी, पुरातत्व की भाषा में कहें तो बहुत बहुत कीमती थी, चोरी हो गई। सरकारी नियंत्रण के मंदिरों से चोरी हो जाना मतलब क्या है? अब वहाँ फ्लेक्स के लगी हुई वो तस्वीर वाली मूर्तियों पे, आइडल्स पे पूजा होते हैं, अब भगवान की मूर्ति तो चोरी हो गई, चलो उनका फोटो खींच के फ्लैक्स पे लगा के पूजा कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब है कहते कि ये 11,999 जो मंदिर हैं, जो प्राचीनतम है, यहाँ पूजा नहीं होती है, खंडहर है, जर्जर हालत में है, कोई देख रेख नहीं है। अरे जब पूजा ही नहीं होती है तो देख रेख कौन करेगा? फिर सरकारी नियंत्रण किस बात की? 37,000 मंदिरों में सिर्फ एक पुजारी है, जो पुजारी है वही केयरटेकर भी है। सरकारी नियंत्रण है क्यों भाई? भक्तों को दे दो, जो मंदिर की देखरेख कर सके उसे दे दो। सरकारी नियंत्रण में मंदिर क्यों हैं? 300 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने सत्ता जमाने के लिए मंदिर और मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों के पास जमीन थी उस पर कब्जा जमाने के लिए कानून बना दिया, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। और आज़ादी के 74 साल बाद भी आज मंदिर जो है सरकार के कब्जे में है, क्यों? ऐसा है कि सदगुरु ने जब चुनाव के दरमियान, तो इनका ये मूवमेंट पूरे जोरों पे था, लोग मिस कॉल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि सदगुरु को कि वोट किसको दें, तो सदगुरु ने ये कहा कि वोट देना तो तुम्हारा अपना दायित्व तो है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपका जो बेस्ट है उसको वोट दो, जो कम से कम खराबी कर सकता है, लेस इविल जो है उसको वोट दो। देखो जो मंदिरों को फ्री कर सके उसे वोट दो,
जो शिक्षा बेहतर कर सके उसे वोट दो, जो स्किल डेवलपमेंट करा सके उसे वोट दो, जो एजुकेशन को रोजगार से जोड़ सके उसे वोट दो, और जो नदी में पूरे साल भर पानी बहा सके उसको वोट दो। बहुत असर हुआ, अब तो 2 मई को पता चलेगा क्या असर हुआ। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा था, मंदिरों को लिबरेट करो, तमिलनाडु के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से। सदगुरु जी ने उसे भी बहुत ही क्लियरिफाई किया, ये कहा कि नियंत्रण तो सब पे होती है सरकार का, अरे हम जो एक इंडिविजुअल हैं हम पे भी नियंत्रण है, हम जो कमाते हैं जो टैक्स देते हैं सरकार को पता है हम करते क्या हैं, हम कितना कमाते हैं, हमारी स्थिति क्या है पता है सरकार को, लेकिन सरकार का कंट्रोल हम पे नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें, अपनी ज़िंदगी कैसे जिए। बस ऐसा ही कंट्रोल मंदिरों पे भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए सरकार के नियंत्रण में, कि मंदिर में पूजा कैसे हो, मंदिर का साज सामान कैसा हो, मंदिर पे जो चढ़ावा आता है उसका इस्तेमाल कैसे हो, जो मंदिर में जो पुजारी हैं वो कौन से हों, कैसे हों, उनका उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, वो मंदिर वाले लोग सोचे ना। तो ये मूवमेंट की शुरुआत हुई है, पूरे भारत में फैलेगी, और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस जानदार शानदार मूवमेंट के लिए, एक पुख्ता मूवमेंट के लिए, मंदिरों की संरक्षा सुरक्षा और उनकी आस्था को बनाए रखने वाले मूवमेंट के लिए। एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिरों का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है इस तरीके, जब सरकार नियंत्रण छोड़ देगी तो इंडिविजुअल के हाथ में आएगा, तो वो कमाने के जितनी सारे रास्ते होंगे अपनाएंगे। आप भूल जाइए उसको, आप ये देखिए कि मंदिर उनके हाथों में होगा जिनकी आस्था है मंदिर में। ये एक अच्छा कदम है, इसके लिए सद्गुरु को बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो घंटी जो है उसको दबा दीजिए, जिसे हम जब कुछ कहने के लिए आएंगे, जब बोलने के लिए आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अब साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।